मैथमेटिक्स है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे अभी बात करने जा रहे हैं इतना इंटरेस्टिंग, आप देखिएगा कि हमारे घरों में कैसे लैग हो रहा है, जो ज्वाइंट फैमिली धीरे धीरे टूट रही है ना? और आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते चले जा रहे हैं कि हम दो हमारे एक, इसके बाद केवल हम दो, फिर कुछ ऐसे भी साहसी जो केवल हम है ना, केवल हम में ही रह जा रहे हैं। तो आज बात होगी सेंटर की, सेंटर ऑफ ए ग्रुप। किसी ग्रुप का सेंटर क्या होता है या सेंटर में कौन कौन एलिमेंट जाएगा? आप देखिएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जैसे कितने ऐसे लोग हैं, हम किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करते, जिसके पिताजी मान लेते हैं तीन भाइयों ए बी सी, है ना, ये जो पिताजी हैं तीन भाई हैं ए बी सी, और तीनों लोगों की फैमिली है, ये फैमिली है, ठीक है ना। अब आप देखिएगा कि ऐसा मान लीजिए आप इस फैमिली के ये वाले मेंबर हैं, ये पिताजी तीन भाई, फैमिली के आप इस वाले मेंबर हैं, तो एक तो ये देखिए क्या आप घर में रोज अपने पापा से मम्मी से या इन लोगों से बात कर लेते हैं, ये लोग आपसे बात कर लेते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? एक्स वाई इज वाई एक्स, ये है कि एक्स अगर वाई से बात कर रहा है तो वाई भी एक्स से बात करे, ये नहीं कि आप आगे आगे जा रहे हैं और मैं पीछे से आ रहा हूं, हेलो 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 प्लीज गिव मी योर फोन नंबर, और आप कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे, इसको कम्यूट नहीं करते। कम्यूट करने का मतलब ये हुआ कि वो भी रुक के बात करे, है ना। तो आपने बात किया, अब क्या आप इनसे बात कर रहे हैं और ये आपसे भी बात कर रहे हैं, आप इनसे बात कर रहे हैं ये भी आपसे बात कर रहे हैं, ये इनसे आप बात किए ये भी आपसे बात किए, आप इनसे बात की ये भी आपसे बात किए, आपने इनसे बात किया ये भी आपसे बात किए, आपने इनसे बात किया ये भी आपसे बात किए, आप इनसे बात की ये भी बात कर रहे हैं, इनसे बात की ये भी बात की। तो इस तरीके से घर में जितने मेंबर हैं आपने सबसे बात की और सभी मेंबर ने आपसे भी बात की, ठीक है। तो अब आप क्या होंगे? सेंटर में, क्योंकि आप सबसे बात करते हैं। आप देखिए घर के सेंटर में वही रहेगा जो सबसे कम्यूट करता हो। कम्यूट करना मतलब समझ रहे ना, पहले घर के जैसे मालिक लोग बनाए जाते थे ना, तो घर की जो ज्वाइंट फैमिली पहले की हुआ करती थी, जो घर के मालिक बनाए जाते थे, वो सारे बच्चों को, घर के जितने भी बच्चे होते थे सबको समान भाव से देखते थे, सबका कपड़ा एक ही जगह से आता था, सबके लिए चीजें एक ही जगह से आती थी। अभी क्या होता है कि भाई के बच्चों के लिए कपड़ा नई सड़क से लेते हैं कंबल घर वाले पैकेट में, अपने बच्चे का कपड़ा कंबल घर से ही लेते हैं कंबल घर वाले पैकेट में, वहां से लोग मांगते हैं भैया दो प्लास्टिक दे देना कंबल घर वाले में, या बड़ी साफ पे मांग लेते हैं लोग कि तीन लिफाफा तीन पैकेट दे दो हमको, है ना। अब उसको क्या पता आप क्या करेंगे इसका लेकर के, तो वहां से लेके जाते हैं, मतलब हम कितना सिकुड़ते चले जा रहे हैं कम्यूटेटिव, इसलिए सेंटर में नहीं रह पाते आप। तो सेंटर में वही जाएगा जो घर के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेगा। अब अगर घर के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट किया तो आप अपने से भी तो कम्यूट करेंगे, इसीलिए मैथमेटिक्स करती है। दिन भर भागते रहो, शाम को या सुबह बैठ करके एक बार सोच लिया करो, आए दिन बता तुझे क्या चाहिए, पेप्सी की कोको कोला, है ना। तो खुद से भी तो बात करेंगे आपने एक मिनट के लिए, जैसे मित्रों से सुबह जैसे जगह मित्र का फोन आ गया, चलना 80-82 यहाँ वहां, शाम तक चले जा रहे हैं, शाम को रूम पे गए खाना वाना बनाए, बात करते करते सो, तो उस दिन आपने अपने लिए क्या किया, आपने खुद से बात की कि नहीं, खुद से कम्यूट किया कि नहीं। तो सेंटर में अगर ऐसा हुआ तो ये एलिमेंट जाए, तो ग्रुप के सेंटर में वही एलिमेंट जाता है जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है। आप ध्यान से देखिएगा, और इसे जेंट्रम वर्ड जेट से डिनोट किया गया, दिस एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स वाई इज वाई एक्स फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू जी। कह रहे कि सेंटर में वही जी का ही मेंबर जाएगा
लेकिन वो मेंबर जाएगा जो जी के प्रत्येक मेंबर से कम्यूट करता हो, सबसे कम्यूट करता हो। अब आप देखिए ध्यान से, इसने किया। अगर यही यही प्रक्रिया जैसे हम लोग लिखे ना, ये A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, जरूरी नहीं कि सबके बराबर ही हो, C1, C2, C3, C4, C5। तो अगर A2 ने सबसे कम्यूट किया, ठीक है, तो ये जो फैमिली है, जिसकी भी फैमिली हो, है ना, मान लीजिए R की फैमिली है, तो R के सेंटर में कौन जाएगा? ये तो चला, ये A2 चला गया, या जो R की फैमिली है, ये तीन के अपने परिवार, A2 ने क्या किया, सबसे कम्यूट किया, A2 जाएगा, सबने A2 से किया। अब यही काम B1 कर रहा है, B1 भी जाएगा, यही काम C4 किया, C4 भी जाएगा, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। अक्सर आप सुने होंगे कि फला का मेरे को तरफ भैया जो राम खिलावन है ना, उनका जो बड़ा बेटा है, बड़ा व्यवहारिक, बड़ा व्यवहारिक है, या उनकी बिटिया बड़ी व्यवहारिक है। तो बड़ी व्यवहारिक का मतलब क्या हुआ, कम्यूट करती है, वो भी कम्यूट कर रहा है। ऐसा नहीं कि आप उनके घर पहुंचे और देखा उनका बड़ा बेटा, आप आए निकल लिया, आप बोलते ना बड़ा घमंडी टाइप का, क्यों, क्योंकि आपको पार्टी नहीं पूछ रहा है, इसलिए घमंडी। बट हम लोग बाहरी के लिए नहीं करते कि बाहर से कम्यूट किया, अपने घर में कम्यूट कर रहे, तो इसके सेंटर में यही जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि सारे के सारे एलिमेंट कम्यूट करने लगे एक दूसरे से, अगर सभी के सभी एलिमेंट एक दूसरे, देखिए आपका जीवन धन्य तभी माना जाएगा जब आप इस चीज को करते हैं। मैथमेटिक्स पढ़ने का मतलब यही है, अदरवाइज क्या होगा, आपने पढ़ाया, हाई स्कोर किया, प्रोफेसर बन गए, बट आप इसको यूज नहीं कर पाए। आप प्रोफेसर बने, आपका बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा है और आपके भाई का बेटा जो है गाँव में वहीं पर रह गया, कुछ नहीं कर पाए। कुछ नहीं करने का मतलब जिससे वैसा आपने ध्यान ही नहीं दिया, अदरवाइज तो खेती भी बहुत बड़ी चीज है, इंटरेस्टिंग भी है। तो आप अगर सारे एलिमेंट कम्यूट किए तो सेंटर में सब जाएंगे। तो जब सारे के सारे एलिमेंट कम्यूट कर जाते हैं तो सेंटर में क्या होगा, पूरा ग्रुप चला जाएगा। और सारे के सारे एलिमेंट जब एक दूसरे से कम्यूट करते हैं तो ग्रुप क्या होता है, अबेलियन, अबेलियन होता है। तो इसीलिए अबेलियन ग्रुप के सेंटर में सभी के सभी एलिमेंट चले जाते हैं। दिस इज व्हाई इफ जी इज अबेलियन देन सेंटर ऑफ जी इज होल जी। अगर जी अबेलियन हो गया क्योंकि कम्यूट किया, तो सेंटर में सारे के सारे चले जाए, है ना। तो सेंटर ये है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सेंट्रलाइजर भी रहेगा एक बार। तो आप कुछ एग्जाम्पल बताए इसमें, आप बस इतना याद रखिए कि ग्रुप के सेंटर में वही जाएगा जो ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करता है। और ऐसे जितने एलिमेंट जो प्रत्येक एलिमेंट से कम्यूट करेंगे सब के सब उसके सेंटर में चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कुछ आप इसके क्वेश्चन दें, जैसे जेड फोर विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, मान लो को साइक्लिक है ना, इज साइक्लिक, हम लोग ये शॉर्टकट यूज कर रहे हैं, इम्प्लाइज जेड फोर इज अबेलियन, दिस इम्प्लाइज सेंटर ऑफ जेड फोर पूरा का पूरा हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे, ये तो आपने ट्रिक यूज कर लिया, थ्योरम यूज कर लिया, अब इसे जेड फोर 0, 1, 2, 3 हम लोग मान लें कि 0 जा रहा है सेंटर में, मान लिया। तो जब 0 जाएगा तो कम्यूट करेगा, 0+0 = 0+0, 0+1 = 1+0, 0+2 = 2+0, 0+3 = 3+0, और ये मॉडुलो 4 आप इसमें यूज कर लेंगे, हुआ ना। तो आप करें कि सेंटर ऑफ जेड फोर कंसिस्ट ऑफ 0 आ गया। अभी 0 की जगह 1 रख दीजिए, 1, 1, 1, 1, दिस इज 1, 1, 1, 1 आएगा ना बराबर। 3, 1, 4, 0, 3, 1, 4, 0 मतलब 1, 3, 4, 0,
तीन एक चार जीरो, एक दो चार तीन, दो एक चार तीन आएगा, तो सेंटर में वन भी है। अब यहीं पे टू कर दीजिए, टू 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 टू, दो टू दिस टू, दिस इज टू, टू टू सेंटर में टू भी चला। अब इसी जगह आप थ्री कर देंगे, ऑपरेशन जैसा वही यूज करना है, थ्री थ्री सेंटर में कौन गया, एंसर व्हाट। तो अगर ग्रुप अबेलियन है आप क्लियरली बोल दीजिएगा कि सेंटर में यही रहे, ठीक है ना। तो कुछ और एग्जांपल देखिए, बट ये यही खत्म नहीं होता है, इस पे आप जितने ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। सेंटर डिस्ट्रीब्यूट भी होता है,